नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल वीटू सक्सेस पर। और आज के वीडियो भी हाईली डिमांडेड वीडियो है। शायद आपको पता हो, इससे पहले मैंने मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी के ऊपर आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था। साथ ही मैंने आपको जनरल अवेयरनेस के लिए भी किया था और इंग्लिश के ऊपर भी एक वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड किया था, जिसके बाद काफी सारे लोग की डिमांड आई। काफी सारे लोग बार बार कमेंट करके बोल रहे कि रीजनिंग की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के ऊपर भी एक वीडियो बनाइए। तो फ्रेंड्स, फाइनली रीजनिंग की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के ऊपर आपके लिए पर्टिकुलर वीडियो लेकर हाजिर हूं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि रीजनिंग सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए हाईएस्ट स्कोर करने के लिए। तो आज इस वीडियो में आपके साथ रीजनिंग की प्रिपरेशन करने की एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं जिसके बाद आप रीजनिंग के एक्सपर्ट बन जाओगे और अपने किसी भी एग्जाम में आप रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आओगे और मिनिमम आप रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन केवल 10 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। तो फ्रेंड्स, जरूरी है कि आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें, तभी आप रीजनिंग के एक्सपर्ट बन पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना बागे का टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग सब्जेक्ट क्यों रखा जाता है? आपका आईक्यू लेवल टेस्ट करने के लिए, और साथ ही जो आपके क्वेश्चन पेपर की लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन होती है उसको और भी ज्यादा लिमिटेड बनाने के लिए, आपके क्वेश्चन पेपर के साथ उस टाइम ड्यूरेशन को इम्बेलेंस करने के लिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पूरे क्वेश्चन पेपर में आपके पास केवल रीजनिंग सब्जेक्ट ही एक ऐसा हथियार होता है जिसकी हेल्प से आप उस लिमिटेड टाइम को, उस इम्बेलेंस टाइम को बैलेंस कर सकते हो, बाकी सब्जेक्ट के लिए उस टाइम को आप बचा सकते हो। ये केवल तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर आप रीजनिंग में एक्सपर्ट हो। इस वीडियो को देखने के बाद आप रीजनिंग में एक्सपर्ट हो ही जाओगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं जिनको आपको फॉलो करना है और रीजनिंग की प्रिपरेशन करते टाइम उन सभी पॉइंट्स को अपने ऊपर अप्लाई भी करना है, तभी आप रीजनिंग के एक्सपर्ट बन पाओगे। स्ट्रेटजी का पॉइंट फर्स्ट है प्रिपरेशन टाइम पीरियड, यानी कि आप डेली रीजनिंग की प्रिपरेशन को कितना टाइम देते हो। अगर आप रियली में रीजनिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपको मिनिमम डेली रीजनिंग की प्रिपरेशन को 60 मिनट यानी कि 1 आवर तो देना ही पड़ेगा। ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। अब वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस 1 आवर में आपको रीजनिंग की प्रिपरेशन करनी कैसे है, कैसे आपको अपने लॉजिक्स लगानी है, कैसे आपको अपनी स्ट्रेटजी रखनी है। केवल आपको 20 डेज तक डेली 1 आवर रीजनिंग को दे दीजिए, आप 20 डेज में ही रीजनिंग के एक्सपर्ट बन जाओगे। इसी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करने की अपनी स्पीड को बिल्डअप करना है और कैसे आपको लॉजिकल बनना है कि फटाफट आप किसी भी क्वेश्चन को देखते ही उसमें लॉजिक लगा सको। तो ये चीज आप कहीं पर भी लिख कर रख लीजिए कि 20 डेज तक मुझे डेली रीजनिंग को 1 आवर देने ही देने हैं। स्ट्रेटजी का पॉइंट नंबर सेकंड है बेस्ट बुक, यानी कि अगर आप रीजनिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो जरूरी है कि आप किसी अच्छी बुक से प्रिपरेशन करें। काफी लोग इसी में ही कंफ्यूज रहते हैं कि यार किस बुक से प्रिपरेशन करें, जिसके बाद वो कोई गलत बुक सिलेक्ट कर लेते हैं और जिसके बाद उनको काफी ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो आज मैं आपको रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए नंबर 1 बुक बताने वाला हूं। अगर आप रीजनिंग के लिए कोई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आपको उसमें सबसे पहले एक चीज देखनी चाहिए कि क्या उसमें सभी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, दूसरी चीज कि हर क्वेश्चन का क्या इसमें सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है, सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होने चाहिए और जो क्वेश्चन में लॉजिक लगा है, जो फॉर्मूला लगा है, वो भी प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो ये सबसे जरूरी है। तो मैं आपको हमेशा ही एक ही बुक रिकमेंड करता हूं रीजनिंग के लिए, अरिहंत का बुक। जब भी आपको रीजनिंग के लिए बुक परचेज करना चाहे किसी भी एग्जाम के लिए तो आप अरिहंत का बुक ही परचेज करें, क्योंकि रीजनिंग के लिए आज तक अरिहंत से बेटर कोई बुक माना ही नहीं जाता। वैसे और भी काफी सारी बुक है लेकिन रीजनिंग के टक्कर का कोई भी बुक आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। अब वो आपका कोई भी हो, ये आर के झा का बुक है या फिर वो आपका जय किशन या फिर प्रेम किशन का बुक हो, कोई भी हो, अरिहंत का बुक होना चाहिए रीजनिंग का और उसमें क्वेश्चन सभी टॉपिक वाइज दिए हों, जैसे कि आपका क्लासिफिकेशन है, एनालॉजी है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, कुछ भी हो, सभी आपके प्रॉपर टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हों, क्योंकि यहां पर आपको अपना कॉन्सेप्ट और अपना बेसिक लेवल यहां पर मजबूत बना के चलना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक में कौन से क्वेश्चन आते हैं और उस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगता है, तभी आपका यहां पर क्लियर हो पाएगा रीजनिंग के सभी डाउट। अब मैंने आपको ये केवल बुक बताई जो बिगनर कैंडिडेट है उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। अब जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनकी ये प्रॉब्लम है कि यहाँ रीजनिंग आती है लेकिन उस एक्सपर्ट लेवल तक हम जाना चाहते हैं, तो आपको कोई रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट खरीदना पड़ेगा जिसके एक प्रैक्टिस सेट में लगभग 50 से 60 क्वेश्चन तो होना जरूरी है और लगभग 50 से 60 प्रैक्टिस सेट उसके अंदर होने चाहिए। अब मैंने आपको ये दो बुक बताई, अगर आप रीजनिंग में एक्सपर्ट होना चाहते हो तो ये दोनों बुक आपके पास
पास होना ही चाहिए। अभी हम आपको आगे बताऊंगा कि इन दोनों बुक से आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, जो बिगनर कैंडिडेट है उनको कैसे प्रिपरेशन करनी है और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनको कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फ्रेंड्स बेस्ट बुक वाला पॉइंट चल रहा, तो यहाँ पर मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, कभी भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के लिए केवल एक ही बुक से प्रिपरेशन मत करें, सेम बुक से कभी भी मत पढ़िएगा डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के लिए, क्योंकि रीजनिंग में आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं, आपके सामने ज्यादा से ज्यादा लॉजिक्स आते हैं जिनको आपको कवर करते हुए चलना है, और अगर आप हर एक एग्जाम के लिए एक ही बुक से प्रिपरेशन करते चले जाओगे तो आपने यहां पर कोई नया लॉजिक तो सीखा ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि नए कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं और उनमें लॉजिक कौन से लग रहे हैं। एक तरह से आपका जो लॉजिक है वो आपने रट लिया, तो जरूरी है कि आप दूसरे एग्जाम के लिए कोई दूसरी बुक खरीदे। क्वेश्चन को कभी भी रीजनिंग के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते टाइम रिपीट मत करिए, ज्यादा से ज्यादा नए से नए क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करिए, तभी आपको ज्यादा से ज्यादा लॉजिक समझ आएंगे। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं पर काफी सारे लोग गलती करते हैं। आता है स्ट्रेटजी का पॉइंट नंबर 3, प्रिपरेशन टॉपिक वाइज एंड क्वेश्चन टाइप वाइज। ये पॉइंट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक ब्लैंक पेपर ले लेना है और एक पेन ले लेना है, जितने भी रीजनिंग के टॉपिक है वो सभी आपको उस पेज के ऊपर लिख लेने हैं। अब टॉपिक को आपको कैसे सेपरेट करना है, जिन टॉपिक को आपको ऐसा लगता है कि इनमें मैं अच्छा हूं, इन्हें मैं सोल्व कर लूंगा आसानी से, उनको एक तरफ लिख लीजिए, और जो टॉपिक आपके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, जिनमें आपको डाउट है, उन टॉपिक्स को आप अलग लिख लीजिए, क्योंकि यहीं से ही आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें देखने को मिलेगी। रीजनिंग के अंदर आपके काफी सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, इंसर्ट मिसिंग नंबर, डाइसिस, वेन डायग्राम, और भी काफी सारे टॉपिक्स है। तो इस तरीके से आपको ये सभी टॉपिक सेपरेट कर लेने, जिनमें आप काफी अच्छे हो उनको अलग लिख लेना है, जिनमें आप ज्यादा अच्छे नहीं हो, डाउटफुल है, उनको आपको अलग लिख लेना है, क्योंकि यही से ही आपको अब टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना है। ये तो आपके टॉपिक हो गए, अब आपको क्वेश्चंस के टाइप वाइज भी लिख लेना है, क्योंकि काफी सारे टॉपिक्स होते हैं जिनके अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एग्जांपल के तौर पर सिटिंग अरेंजमेंट को ही ले लेते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर 2 से 3 टाइप के आपके क्वेश्चन होते हैं। एक टाइप के क्वेश्चंस तो वे होते हैं जिसमें आपको एक बेंच के ऊपर 4 से 5 पर्सन बैठे हुए हैं, उनका सभी का फेस नॉर्थ की साइड में है, तो आपको उनको अरेंज करना होता है कि किसके लेफ्ट में कौन है, किसके लेफ्ट राइट में कौन है। एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन होता है कि एक राउंड टेबल के चारों ओर कैंडिडेट्स यानी कि पर्सन बैठे हुए हैं, जिसमें आपको वो अरेंज करना होता है, बताना होता है कि ए के साइड में लेफ्ट में कौन है, बी के लेफ्ट में, बी के सेकंड लेफ्ट में कौन है। तो 2-3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आपको ऐसी टाइप बना लेनी है कि सिटिंग अरेंजमेंट में ये 2 टाइप के क्वेश्चन है। आपके डाइसिस में भी होते हैं जिसमें आपके 2 डाइस होते हैं, एक टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं, एक टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें 4 डाइसिस होते हैं, आपको सोल्व करने होते हैं। कहने का मतलब ये कि हर एक टॉपिक में 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको वो सभी लिख लेने कि इसमें इतने टाइप के क्वेश्चन हैं और ये इनके टाइप है। अब इसे क्या होगा, अब आपको यहां से टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करनी है रीजनिंग की, यानी कि एक टॉपिक को उठा लीजिए, मान लीजिए कि आप सिटिंग अरेंजमेंट को ही पढ़ रहे हो, तो उसके प्रॉपर तरीके से उसी टॉपिक को पहले पढ़िए। अब उसमें भी आपके टाइप वाइज क्वेश्चन है, पहले आप एक टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करिए, यानी कि पहले जो आप एक बेंच पे 4 से 5 कैंडिडेट बैठा दिए हैं, उस वाले टाइप के सभी क्वेश्चन को अच्छे से कॉन्सेप्ट बेसिक से क्लियर करते हुए चलिए। जब आपको वो टाइप के क्वेश्चन बढ़िया अच्छे से क्लियर हो जाए, उसके बाद आप दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर शिफ्ट हो, राउंड टेबल वाले, तो ऐसे आपको टॉपिक वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चन क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि यहीं से ही आपका लॉजिक क्लियर होगा। अब दूसरी चीज इसी पॉइंट के अंदर आपको क्या करना है, एक और आपको ब्लैंक कॉपी या फिर ब्लैंक नोटबुक या फिर ब्लैंक पेपर ले लेना है। अब आपको नोट्स बनाने स्टार्ट करने पड़ेंगे, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, जिस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हो, उस टाइप के क्वेश्चन में जो भी आपका लॉजिक लगता है, उस लॉजिक को आप उस नोटबुक में लिख लीजिए कि ये एक लॉजिक है और इस टाइप के क्वेश्चन में लगता है। ये सबसे जरूरी है, जिस भी टाइप के क्वेश्चन में जो भी लॉजिक बन रहा है उसको आप वहां पर लिख लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में ये लॉजिक लगता है। ये आपके लिए जरूरी है, नोट्स जरूर बनाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपने कॉलेज में भी देखा होगा टीचर यही बोलता है प्रोफेसर कि नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाना है आपको कि फॉर्मूला या फिर लॉजिक आपका क्या लग रहा है। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन टाइप वाइज ही आप हमेशा
पढ़ते हुए चलिए, यहां से आपको कोचिंग वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी करिए क्योंकि सेल्फ स्टडी इज मोर पावरफुल। तो सेल्फ स्टडी करिए घर पर ही, बुक है आपके पास, सॉल्यूशन उसमें दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन नहीं आता तो प्रॉपर उसका सॉल्यूशन देखिए, उसे सोल्व करिए, उसका लॉजिक अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो उस नोटबुक के अंदर उस लॉजिक को लिख लीजिए क्योंकि आगे रिविजन के टाइम आपको ये बहुत ज्यादा काम आएगा। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर थर्ड। स्ट्रेटजी का पॉइंट नंबर फोर है, डोंट ट्राई टू गेट एनी शॉर्टकट। ये पॉइंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को सोल्व करने की जो स्पीड है वो यही पॉइंट लेकर आएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए। अब काफी सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, वो शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं। शॉर्टकट से मतलब है कि जैसे कि आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में, एग्जाम्पल के तौर पर ब्लड रिलेशन को ही ले लीजिए। अब वो क्या करते हैं, एग्जाम में उन्होंने कोई क्वेश्चन देखा तो उसे शॉर्टकट तरीके से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक प्रॉपर फॉर्मूला, एक लॉजिक होता है ब्लड रिलेशन को सोल्व करने के लिए, आपने सुना होगा ट्री फॉर्मूला एक होता है जिसमें आपको सभी जो उसमें नाम दिए हुए हैं रिलेशन के नाम दिए वो लिखने होते हैं और आपको एक ट्री की तरह बना लेना होता है जिससे वो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। अब काफी लोग क्या सोचते हैं कि यार अब इसे पेन से लिखेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए वो शॉर्टकट तरीके से उसे माइंड में ही इमेजिन करके सोल्व करके आंसर लाने की कोशिश करते हैं। ये सबसे गलत है, आप हमेशा ही गलत करोगे। आप ला सकते हो आंसर लेकिन आपको उससे ज्यादा टाइम लगेगा जो कि इसका एक पर्टिकुलर लॉजिक है, और आप सोचते हैं कि हमने कोई शॉर्टकट ले लिया और हमने टाइम बचा लिया, तो आपको ऐसा नहीं करना। पॉइंट फोर की सीख यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पेन का इस्तेमाल करना है। आपको पता होगा मैथ्स वाली वीडियो में मैंने ये बताया था कि मैथ्स के अंदर आपको पेन का इस्तेमाल कम से कम करना है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट है, रीजनिंग के अंदर आपको पेन का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है, तभी आप अपने क्वेश्चन के सोल्व करने की स्पीड लेकर आओगे। जो भी जिस भी टॉपिक के क्वेश्चन में, जिस भी टाइप के क्वेश्चन में लॉजिक लगता है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में लॉजिक लगता है, ट्री फॉर्मूला लगता है, तो उसे प्रॉपर तरीके से सोल्व करके क्वेश्चन पेपर या रफ कॉपी पर जब भी आप उसका आंसर लाएं, जैसे कि आपके डाइस के होते हैं इसके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले से आप सोल्व करें तभी आप अपने क्वेश्चन को सोल्व करने की स्पीड लेकर आओगे। ये जरूरी है कि आप पेन का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, ये इंपॉर्टेंट है, तभी आपका टाइम बचेगा। अब आप जो भी बुक आप परचेज करोगे, जो मैंने आपको बताया, उसमें प्रॉपर तरीके से जिस भी टाइप के क्वेश्चन में जो लॉजिक लगता है, ये ट्री फॉर्मूला जो लगता है या फिर कोई भी टाइप के क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला लगता है, उस बुक के सॉल्यूशन में सभी कुछ दिए हुए हैं। ये बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है, किसी भी कोचिंग सेंटर पर भी ये भी यही सेम लॉजिक सेम फॉर्मूले बताए जाते हैं, जहां पर भी देखोगे सेम फॉर्मूले होते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए। तो आप पर्टिकुलर लॉजिक और फॉर्मूले के साथ ही रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर को जल्दी सोल्व कर पाओगे, तो ये जरूरी है। स्ट्रेटजी का पॉइंट नंबर फाइव है फास्ट एक्शन। इसका मतलब है कि जब भी आप कोई रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हो तो कितनी जल्दी उस क्वेश्चन को देखने के बाद आपके माइंड में ऑटोमेटिकली लॉजिक आ जाता है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने में ये लॉजिक लगेगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके माइंड की प्रोसेसिंग स्पीड कितनी है। ये एक साइंटिफिक अप्रूवल पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको भी अपना माइंड ऐसा ही करना है कि आप क्वेश्चन को देखते ही तुरंत आपके माइंड में लॉजिक आ जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रीजनिंग का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है ब्लड रिलेशन, तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के सोल्व करने पड़ेंगे। डेली लगभग 20 के क्वेश्चन के आसपास आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, तो आप अपनी रीजनिंग में एक्सपर्ट हो सकते हो, जो आपके माइंड की प्रोसेसिंग स्पीड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर आप डेली ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो ऑटोमेटिकली जो बाकी के सब्जेक्ट है इंग्लिश जीके या फिर मैथ्स, उनको पढ़ने में भी आपका मन लगना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि जो आपकी ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जब मेरा एनडीए का इंटरव्यू था तो आईक्यू टेस्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से ही पूछे गए थे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाने के लिए, तो ब्लड रिलेशन को ज्यादा से ज्यादा सोल्व करें। स्ट्रेटजी का पॉइंट नंबर 6 है हाउ टू सोल्व नॉन वर्बल रीजनिंग क्वेश्चन, यानी कि जो नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं उनको आप कैसे सोल्व करते हो। काफी ज्यादा लोगों को नहीं पता, वो गलती कर देते हैं। आपने देखा होगा नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है फोल्डिंग पेपर एंड कटिंग, यानी कि जो पेपर वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको फोल्डिंग करके बताना होता है, और कुछ कटिंग वाली होते हैं जिसमें आपको कटिंग करके बताना होता है कि इसको खोलने के बाद फोल्ड करके कट करते हो तो खोलने के बाद ये कैसा दिखेगा। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आती है, आपको पता ही होगा कुछ ऐसी होती है आपको पेपर को फोल्ड करने के बाद उसमें होल करना होता है, तो इन्हें कैसे सोल्व करते हैं। मैंने पर्सनली देखा काफी लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा,
क्वेश्चन देखा कि पेपर फोल्ड हो गया, उसको अपनी माइंड में ही इमेजिन करना स्टार्ट कर देते कि फोल्ड होने के बाद ऐसा होगा, इसमें अगर हम फोल्ड होल करेंगे या फिर इसे काटेंगे तो अनफोल्ड करने के बाद ऐसा होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। अगर एग्जाम में आप बैठे हो तो ऑब्वियसली आपके पास कोई रफ सीट जरूर होगी। तो आपको क्या करना है, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिलता है आपको होल करने वाला या फिर पेपर कट करने वाला या फिर फोल्ड करने वाला, तो आपको उस रफ सीट को ही ऐसा करके देखना है जो भी आपके क्वेश्चन में बताया हुआ है कि इस रफ सीट पेपर को ऐसे फोल्ड करो, तो आप अपनी रफ सीट को ऐसे ही फोल्ड करके उसे कट करके या फिर होल करके ओपन कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप कम से कम टाइम में नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में तो यही तरीका होता है, अपनी जो रफ सीट है उसे इस्तेमाल करिए। तो ये एक बेटर तरीका होता है, अगर आपको नहीं पता तो ऐसा आपको करना चाहिए। तो फ्रेंड्स फाइनली आता है स्ट्रेटजी का पॉइंट नंबर 7, हाउ टू प्रिपरेशन फॉर रीजनिंग। अब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि डेली आपको मिनिमम 1 आवर तो रीजनिंग को देना ही पड़ेगा। अब इस 1 आवर को आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। अब इन 60 मिनट्स को आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, एक 40 मिनट में और आपको एक 20 मिनट में। 40 मिनट में आपको टॉपिक वाइज टाइप वाइज प्रिपरेशन करनी है, जो मैंने आपको अभी अरिहंत का बुक बताई उससे प्रिपरेशन करिए। पर्टिकुलर टॉपिक को उठा लीजिए, मान लीजिए कि आप ब्लड रिलेशन ही पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक को उठा लीजिए, उसके क्वेश्चंस के टाइप वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिए। एक टॉपिक का इस 40 मिनट आपको ये पढ़ना है और सेकेंड जो पार्ट आपका 20 मिनट है उसमें आपको प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जिस प्रैक्टिस सेट में आपके सभी मिक्स क्वेश्चन होंगे। अब जिन लोग को ये प्रॉब्लम रहती है कि यार रीजनिंग आती तो है लेकिन उस एक्सपर्ट लेवल तक नहीं आती, उनके लिए ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको 20 मिनट डेली करना क्या है, एक टाइम लगा के रख लेना है अपने मोबाइल में कि मुझे इतने 50 क्वेश्चन इस लिमिटेड टाइम के अंदर सोल्व करने, जो कि सभी क्वेश्चन आपके मिक्स रहेंगे, डिफरेंट टॉपिक से रहेंगे। डेली 20 डेज आप ऐसा कर दीजिए, 1 घंटा प्रिपरेशन कर दीजिए, आपकी रीजनिंग नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी फ्रेंड्स, मैं गारंटी लेता हूं, चाहे आप फिलहाल किसी भी लेवल पर हो। तो इस तरीके से आपको डेली अपनी प्रिपरेशन मैनेज करनी है 20 डेज तक। फाइनली आता है हमारी स्ट्रेटजी का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 8, जिसमें हाउ टू गेट हाईएस्ट मार्क इन अ पर्टिकुलर एग्जाम। काफी लोगों की ये शिकायत है कि यार रीजनिंग में मैं एक्सपर्ट हूं, एडवांस लेवल का हूं, लेकिन फिर भी मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर करना चाहता हूं और रीजनिंग में हाईएस्ट मार्क्स मेरे आने चाहिए। ये पॉइंट स्पेशल उनके लिए भी रहने वाला है और जो बिगनर्स कैंडिडेट है अभी से स्टार्ट करने वाले, ये भी इस पॉइंट को अच्छे से देखें कि आप किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम में हाईएस्ट मार्क कैसे ला सकते हैं रीजनिंग में। मान लीजिए कि आपका SSC CHSL का ही एग्जाम है या फिर आपका NTPC या फिर ग्रुप डी का एग्जाम है, तो आपको करना क्या है, उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करिए, अच्छे से देखिए 5 से 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करिए कि उस क्वेश्चन पेपर में रीजनिंग से किस किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टाइप के किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि आपको क्वेश्चन का टाइप भी अलग निकाल लेना है। एक पेपर पे नोट कर लीजिए कि ये टॉपिक है, इस टाइप के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर किए गए हाईएस्ट मार्किंग के अंदर इसके प्रीवियस एग्जाम में, जो भी एग्जाम है उसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ही आप उठाएं। इससे क्या फायदा होगा, अब आपने वो सभी टॉपिक नोट कर लीजिए, अब उनको बुक में क्वेश्चन को ढूंढिए कि इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर मुझे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ये तो ऑब्वियस ही बात है। तो मोस्टली उन्हीं टॉपिक के ऊपर आप अपना ज्यादा फोकस बनाइए जो कि प्रीवियस ईयर में ज्यादा से ज्यादा फोकस किए गए थे, तो आप डेफिनेटली जो आप एक्सपर्ट लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, हाईएस्ट मार्क लाना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम में, तो आप इस पॉइंट की हेल्प से लेकर आ सकते हो। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज की वीडियो के टॉप पॉइंट 8, जिसकी हेल्प से आप रीजनिंग के एक्सपर्ट बन सकते हो। अगर आप रीजनिंग के एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो इन सभी पॉइंट्स को अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, तभी आप रीजनिंग की प्रिपरेशन करिए, तो आप डेफिनेटली रीजनिंग में काफी अच्छे स्कोर लेकर आ सकते हो। तो फ्रेंड्स आज का कंप्लीट वीडियो यही था, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि अब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हमेशा ही आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।